जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मिसाल के तौर पर यदि आपकी बस या ट्रेन छूट जाए, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएं, या फिर आपको पार्किंग की जगह ना मिले, या फिर आपकी दोस्त से लड़ाई हो जाए, जिंदगी में ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं। लेकिन क्या ये सिचुएशन बीपी को जन्म दे सकती हैं? आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार विमल, आप हैं डिप्यूटी कमिश्नर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ अगस्तम का। नमस्कार, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एम्स नई दिल्ली से। तो डॉक्टर सौरभ, आपसे शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है और हाई बीपी किसे कहेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, और हम हाई ब्लड प्रेशर, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं हाई ब्लड प्रेशर की। जैसे हम नॉर्मली हम इंडियन सेटअप में लेते हैं 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और बिटवीन 130 to 90 हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेट कहते हैं। उस टाइम पे हम पेशेंट को समझाते हैं कि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे और अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके डॉक्टर सुशील, क्या ये हमारे जेंडर, एज, इन सब चीज़ों से भी डिफर करता है जो जब हम नॉर्मल बात करते हैं लेवल की? बिल्कुल, जो ब्लड प्रेशर है एक्चुअली ये दो तरह का होता है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि हमारी डाइट, जैसे कि हमारा जो अपना पैटर्न है, स्मोकिंग पैटर्न है या अल्कोहल लेते हैं, ये मॉडिफाइबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स इस तरह के नॉन मॉडिफाइबल, जैसे आपका एज, आपकी एज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपका जेनेटिक मेकअप किस तरह का है, तो इस तरह का जो जेनेटिक मेकअप है आपका, जेनेटिक आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जैसे पेरेंट्स को थी या ग्रैंड पेरेंट्स होती है तो उनके बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ये नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जी, डॉक्टर सुशील और डॉक्टर सौरभ से यदि आप भी ब्लड प्रेशर पर कोई सवाल करना चाहें तो हमारा फोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर है 2309-7532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 2309-7532। डॉक्टर सुशील, आप आज ब्लड प्रेशर की मशीन भी लाए हैं। एक, क्या हर घर परिवार को ये मशीन रखनी चाहिए, और दूसरा, ब्लड प्रेशर मापने का सही तरीका क्या है? जो अमेरिकन हर्ट एसोसिएशन है उसने रिकमेंड किया है, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसको एक्सेसिबल नहीं है ब्लड प्रेशर की हेल्थ फैसिलिटीज़ में, एक्सेसिबल नहीं है। अगर वो बीपी है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो 50% पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है उनको पता ही नहीं होता कि उनको बीपी है। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन ऐसी है जिसके वजह से ही पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, अदरवाइज कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसकी वजह से पता चले कि ब्लड प्रेशर है। तो इसका ये होता है कि आजकल ये घर में रखने वाली मशीन है, बड़ी कॉमन मशीन है, खासतौर से जो कोविड आया था उसके बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई है। इस मशीन का जो हम लेते हैं बहुत सिंपल सी मशीन है, करना क्या है कि जो ये कफ होता है, नॉर्मल इस कफ को इस तरह से लगाते हैं और जो हमारा 80% जो अपर आर्म होती है, बाजू होती है, वो 80% कवर हो जानी चाहिए, और जो इसकी जो ट्यूब है ये इस क्वाइटल फोसा होती है उसके सामने आनी चाहिए। तो यानी ट्यूब दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। yes. तो सब आप लेफ्ट में कर रहे हैं, राइट हैंड में भी लगा सकते हैं? लेफ्ट में प्रेफरेबल होता है, राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन राइट में थोड़ा सा बीपी ज्यादा आता है, इसलिए प्रेफरेबल होता है कि हम लेफ्ट में करें। अभी आपने जैसे स्लीव्स के ऊपर ही लगाया, तो स्लीव्स ऊपर चढ़ाएं कि इसको आइडली स्लीव्स को या क्लोज होते हैं इसको हटा देना चाहिए। ओके, दूसरी ये है कि जब पेशेंट का हम बीपी चेक करते हैं तो उसको आधा घंटा पहले कोई एक्सरसाइज ना की हो, कोई स्मोकिंग ना की हो, कोई और इस तरह का फैक्टर ना हो जिससे कि बीपी बढ़ता है। अगर इस तरह के कुछ फैक्टर है तो उसको आधे घंटा वेट कराएं। वेट कराने के बाद स्ट्रेट चेयर पर बिठाएं, उसको रेस्ट दें, जो ये बाजू होता है रेस्ट दें, और कोई भी कपड़ा होता है उसको ऊपर करना है। रखने के बाद आपको जो बाजू है वो हर्ट के लेवल पर होना चाहिए। अच्छा, आइडियल तरीका होता है। अच्छा। पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, क्रॉसिंग होना चाहिए, रिलैक्स पोजिशन होना चाहिए। 2-4 मिनट तक उसको रिलैक्स करने के बाद फिर मशीन को उसको। डॉक्टर सौरभ, व्यक्ति खुद भी अपना बीपी माप सकता है कि बेहतर है कि साथ वाले को कह दें कि मदद कर दें? बेहतर रहता है कि कोई हेल्प कर ले, क्योंकि खुद मेजर करने में पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता। तो हमेशा पेशेंट को हम कहते हैं कि आप रिलैक्स होकर बैठिए, अपने हमेशा बैक को रिलैक्स रखिए, रिलैक्स रखिए, एंड देन हम उनको कहते हैं 5 मिनट्स के बाद दोनों आर्म्स में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। समटाइम्स हमारी कोई बीमारियाँ होती हैं जो एक आर्म को इफेक्ट करती है, दूसरी आर्म में नॉर्मल आता है। जैसे किसी टाकोआर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है तो उनमें दोनों आर्म में मेजर करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कम है तो हम पेशेंट को लगेगा ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन दूसरी आर्म में ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो
ये रिकमेंड किया जाता है कि दोनों आर्म्स में अगर हम साइमल्टेनियसली ले लें 5 मिनट्स के इंटरवल में तो बेनिफिशियल रहता है, लेकिन जैसे सर ने बताया एक आर्म में भी अगर हम चेक कर लें तो वो भी बिल्कुल अच्छा रहता है। मतलब सिर्फ एक बार चेक ना करके हम एटलीस्ट 2 बार उसको चेक कर लें ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। ट्रू ट्रू मैम जी। डॉक्टर सुशील, आज न्यूज़पेपर में एक खबर थी, खबर ये थी कि दुनिया के मुकाबले हम लोग 10 साल पहले बीपी के मरीज हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, जो ब्लड प्रेशर या एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कि शुगर है, बीपी है, कैंसर्स है, ये पहले हम वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते थे कि वेस्टर्न डिजीज है ये, लेकिन 2000 के आते आते हिंदुस्तान या फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें भी ये प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके कारण आप देख सकते हैं हमारा खान पान, हमारी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है ना, आपकी जो काम करने का, पहले फिजिकल जाते थे, आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी कहने का सफर कर रहा है जी। इस समय कॉलर है हमारे, नियमित श्रोता हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके डॉक्टर्स की टीम से कि ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है, एक इसमें इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या रोल प्ले करती है? साइकोलॉजी, जो ब्लड प्रेशर है, दिमाग में फोबिया डेवलप होता है, ये कितना रोल प्ले करती है? और दूसरा ये है कि एज के हिसाब से जो ब्लड प्रेशर है इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? जी, थैंक यू। जैसे जैसे डॉक्टर प्रदीप ने पूछा कि साइकोलॉजी कैसे मैटर करती है, इनफैक्ट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पहला कारण माना जाता है कि हाइपरटेंशन का। आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है हम सबकी कि हम इस पर इन्वॉल्व अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो उनका सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें एज के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ्स हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं जैसे यूरोपियन गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस को कट ऑफ नहीं बताती, इनफैक्ट कहती हैं ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80 एंड लेस देन आइडियल ब्लड प्रेशर एंड लेस देन 130/90। 100 प्लस एज कहते हैं कि अगर कोई 40 का है तो 140, 50 का है तो 150 ऊपर वाला चलेगा सिस्टोलिक, ये इसमें जी इसमें एक्चुअली बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, उन ट्रायल्स में यही दिखाया गया कि लेस देन 120/80 पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट हुआ है, लेकिन हर पेशेंट डिफरेंट है। कुछ पेशेंट 140 ब्लड प्रेशर, जैसे कोई एज 80 ईयर मेल है तो 140 का ब्लड प्रेशर टॉलरेट नहीं करेगा, तो उसके लिए 150 ठीक है। तो टारगेट शुड बी 120/80, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट जी। लेकिन डॉक्टर, अक्सर हमें पता नहीं चलता कि बीपी का इशू हमारे साथ है, कि हाई बीपी है कि लो बीपी है, तो क्या रहना चाहिए? क्या वो रेगुलर हमारा बीपी चेक होता रहे, और किस तरीके के सिम्टम्स बॉडी में आए ताकि हमें एहसास हो जाए वो सिग्नल्स? देखिए, ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर इसी बोलते हैं कि हमें सिम्टम्स आते नहीं है, जब सिम्टम्स आते हैं तब तक ये बहुत डैमेज कर चुका होता है, जैसे कि आपके हर्ट है, किडनी है, इस पर असर डालते हैं, आँखों पर डालते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जैसे भी 30 प्लस होते हैं, और आइडली अब तो 20 साल के बाद भी अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, आपका कोई स्मोकिंग पैटर्न है, या आपका अल्कोहल है, या कोई डाइटरी ठीक नहीं है आपका, तो रिकमेंडेड है कि आप खुद सेल्फ चेक करा लीजिए ब्लड प्रेशर को। okay. आप वीकली करा लीजिए, मंथली करा लीजिए, जहाँ मौका मिले। मैं बताता हूँ, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, जिसमें 30 प्लस के जितने भी लोग हैं वो फैसिलिटी में आते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी एक कंपलसरी 30 प्लस का कर दिया है कि यूनिवर्सल सभी का करना है जी। तो बेस्ट तरीका है कि आपको ब्लड प्रेशर मशीन से चेक कराना है, आपको तभी पता चल सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है जी। एक और कॉलर है इस समय फोन लाइन पर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ अलवर राजस्थान से जी। मैडम, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है? लो बीपी के कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, नॉर्मली जैसे मुकेश जी ने बताया 160/120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बट पेशेंट जब खुद चेक करता है 110 देखता है तो घबरा जाता है कि नहीं मेरा लो बीपी है, सिम्टम्स कुछ नहीं हो रहे होते, कोई चक्कर नहीं आ रहा होता। लो बीपी का पहला सिम्टम हर कोई भी पेशेंट को चक्कर आना होगा, घबराहट होती है। तो लो बीपी के कैसे कारण हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जैसे किसी को हमारे एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसकी कमी होना, एल्ड्रोस्टेरोन की कमी होना, हाइपोथायरॉइडिज्म होना, इस कारण लो ब्लड प्रेशर हो सकता है।
होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर पर से हमारे लिए इतनी समस्या नहीं है जितने हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर, आजकल इन्फेंट्स में भी हम कई बार सुनते हैं इन्फेंट्स को भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसका क्या कारण है और कैसे कंट्रोल किया जाए? बच्चों का, जैसे इन्फेंट्स या बच्चों में आप बता रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनके सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, वो जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं कि जो आपकी कोई मालफॉर्मेशन है किसी डेवलपमेंट के टाइम पे हुआ या कोई जीन्स के अंदर अल्टरेशन हो गई है, तो वो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। नॉर्मली जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो होता है कि आपका प्राइमरी कॉज होता है, 80-90% में प्राइमरी होता है। अगर बच्चों में होता है, अगर 20 साल से पहले और 50 साल के बाद अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, उसमें हमें फिर जांच करनी चाहिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी, लेकिन जब हम कहते हैं बीपी 120/80, डॉक्टर साहब क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो जैसे हार्ट एक पंप है और आर्टरी से अच्छा ब्लड जा रहा है और वेन से वापस आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर हम आर्टरी का देख रहे हैं कि वेन्स का? आर्टरी का देख रहे हैं। अच्छा, और ब्लड प्रेशर इस अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारी सब ब्लड जा रहा है ब्रेन में, हार्ट में और किडनी में। हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, पेशेंट हमेशा ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर से ट्रीट करता है, बट ये ठीक नहीं है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इज हाईपरटेंशन। ब्लड प्रेशर तो अदरवाइज अच्छी चीज़ है, हाई बीपी अच्छी चीज़ नहीं है। जब हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करते हैं तो अक्सर प्रेगनेंसी में बीपी जो है वो अप डाउन होता ही रहता है, तो उनको किस तरीके की प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए और ख़ास तौर से क्या लेवल रहना चाहिए ताकि अलर्ट रहें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं इस पर डिस्कस करने वाला था क्योंकि जो ये ब्लड प्रेशर की जो मशीन है ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है होम ट्रीटमेंट जो होता है जी। तो बेसिकली कंडीशन होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH। नॉर्मली कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये हाइपरटेंशन हो जाता है, उस कंडीशन को PIH बोलते हैं। तो उसके लिए कंडीशन के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, और अपने नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाके ANC चेकअप जब कराएं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसके साथ साथ जो बच्चा है उसको भी खतरा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। बिल्कुल, तो यानी कि देखिए हमने कदम उठाने हैं कि बीपी ना हो, मशीन खरीद लीजिए और जाँच करिए, लेकिन अब खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो दवा कब शुरू करनी चाहिए? और डॉक्टर सौरभ, ये बीपी की दवा क्या असर करती है, काम कैसे करती है? कोई भी पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 है, उनमें हम पहले हम कहते हैं कि पहले आप घर में भी एक दो बार ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर स्टिल 140/90 से ऊपर आता है तब हम मेडिकेशन स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। और कोई पेशेंट जिसका 160/90 आता है, मल्टीपल रीडिंग ऑफिस में भी आ जाती हैं, तो हम उनमें ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन हम तीन टाइप की होती है जो कॉमनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको कहते हैं ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली टेलमा नाम से आती है, टेलमिसार्टन। और दूसरी दवाइयाँ होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तीसरे डायरेटिक्स लाइक थायजाइड लाइक डायरेटिक्स होते हैं। तो ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये रास पाथवे होते हैं, किडनी से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी आर्टरीज पे जाके उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं, तो वो वहाँ पे जाके ब्लॉकेट करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स मसल्स होते हैं जो हमारी आर्टरीज में, उनको रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। थायजाइड लाइक डायरेटिक्स हमारी बॉडी से सोडियम को एक्सक्रीट करते हैं किडनी से, और इस कारण वॉल्यूम हमारी बॉडी में कम होता है, इस कारण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। चलिए, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, जैसे मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या, जैसे मुझे ही होता क्या है, कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई भी मुझे कोई बात बोलता है तो मैं उसको चिल्ला के बोल दो, चिड़चिड़ापन सा होता है, तो क्या वो भी ब्लड प्रेशर हाई के सिम्टम्स है क्या? डॉक्टर सुशील, देखिए ये सिचुएशन वाइस वर्सा है, आप स्ट्रेस में हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन वाइस वर्सा है, इसका उपाय यही है कि आपको स्ट्रेस नहीं करना है, अगर ब्लड प्रेशर गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करो अपने आप को रिलैक्स करने की, अगर बीपी बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर में तो तब भी आपको रिलैक्स करना है। तो इसका जो मेन जो इलाज है वो है रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन आप किसी तरह कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हैं, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलैक्स करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। अगर एक बार दवाई शुरू कर दी तो एक परसेप्शन है कि मुझे ताउम्र बीपी की दवा लेनी पड़ेगी। देखिए इसमें ये होता है कि पहली बात तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कोशिश करना है कि आपने अपना प्रिवेंटिव ये सब करके, एक्सरसाइज करके, डाइट मॉडिफिकेशन करके, वेट कम करके कोशिश करो कि दवाई डिले हो। अच्छा। दवाई शुरू ना हो। अगर दवाई शुरू हो जाती है तो फिर ये होता है कि दवाई फिर लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है इन द सेंस कि आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। दवाई क्यों शुरू हुई, क्योंकि आप शायद वो मेजर्स नहीं कर पाए।
इसलिए दवाई शुरू हुई। अब दवाई शुरू हुई है तो फिर इसको मतलब है कि दवाई बीपी की दवा जब लेनी है, खाना खा के लें, खाली पेट भी ले सकते हैं, सुबह लें शाम को? देखिए बीपी की जो दवाई लेते हैं एक ही टाइम पे लेना चाहिए। अच्छा। अगर आपने मॉर्निंग में बताई तो उसी समय लेनी चाहिए, अगर शाम को लेनी तो शाम के टाइम लेना चाहिए। नहीं कि आपकी मॉर्निंग की डोज आपने दोपहर को लिया, खाना खाने के बाद नॉर्मली लेनी चाहिए दवाई। लेकिन इन केस अगर वो स्किप हो जाए डोज, तब क्या किया जाए? स्किप हो जाए तो जब आपको याद आए तभी आपको ले लेनी चाहिए। अच्छा, डबल तो नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम डबल डोज। नहीं, डबल नहीं, वो डोज उतना ही लेना है। जब स्किप हो, जब भी आपको याद आए तो आप तभी ले लीजिए। जी, और डॉक्टर साहब जेनेरिक मेडिसिन क्या है, और अगर एक मेडिसिन ली सेम मेडिसिन कंटिन्यू करें फिर? जी, जैसे जेनेरिक मेडिसिन चीप मेडिसिन हैं, अच्छी मेडिसिन हैं, तो इनसे जो मेडिसिन हमने स्टार्ट की हैं वही पेशेंट को लेनी चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेडिकेशन हमें चेंज करनी है। कभी कभी पेशेंट खुद चेंज कर लेता है, जो बहुत ही हमें बहुत बुरा लगता है कि उसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पेशेंट खुद ही अपने मन से खा रहा है दवाइयाँ। जी, ओडिशा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए प्लीज। सभी को नमस्कार है जी, और मेरा डॉक्टर साहब को ये सवाल है, मैं ब्लड प्रेशर का एक मरीज हूँ, मैं दवाई भी लेता हूँ। मेरा घर में मशीन है, ब्लड प्रेशर मशीन भी है। मैं जब ब्लड प्रेशर मेजर करता हूँ, एक जो रीडिंग आता है, मैं जब डॉक्टर के पास क्लिनिक जाता हूँ, उनका पास जो मशीन है वो थोड़ा डिफॉल्ट हो जाता है, थोड़ा हाई माने ज्यादा भी आ जाता है रीडिंग। मेरा यही सवाल है, जो पहले जो मशीन था मर्कुरी का, वो मशीन ठीक है, और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रहा है वो ठीक है? डॉक्टर साहब इन्हीं का ही नहीं सवाल है। और दूसरा सवाल है, जो ब्लड प्रेशर का जो मेजर जो हम करते हैं तो सही टाइम क्या है? जी, उसका सही टाइम क्या है? ओके, जी डॉक्टर साहब इन्हीं का ही नहीं, जब हम भी आपके पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है कभी कभी, घर पे थोड़ा नहीं होता। इसको देखिए मेडिकल टर्म है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि आप नॉर्मल में है तो बीपी ठीक रहता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं या हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जो ये बता रहे हैं उसका कारण एक ये भी हो सकता है, एक दूसरा कारण होता है कि आप घर में होते रिलैक्स होते हैं, लेकिन आप जो कहीं क्लिनिक पे जाते हैं तो थोड़ा मूवमेंट भी होता है, एक कुछ स्ट्रेस भी होती है, तो उसमें यह है कि अगर थोड़ा सा रेस्ट करके बीपी लिया जाए तो हो सकता है कि शायद ठीक आए बीपी। दूसरा इनका जो सवाल था कि किस समय बीपी मेजर किया जाए, नॉर्मली क्या है कि जब भी बीपी चेक करें, चाहे मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में, एक ही टाइम पे करें। अगर आपने मॉर्निंग में 8 बजे किया तो अगले दिन भी 8 बजे करना है, शाम को 8 बजे करना है तो शाम को 8 बजे करना है। दूसरी बात, आपको दो रीडिंग लेनी है, दो रीडिंग में देखना है कि बहुत ज़्यादा डिफर्ट तो नहीं है, 5 उसका डिग्री का है, 5 पॉइंट्स का है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा आता है तो तब आपको तीसरी डिग्री रीडिंग लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बीपी देखना पड़ेगा। डॉक्टर सौरभ, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में हेल्थ के लिए, लेकिन बीपी के लिए ऐसे किस तरीके की डाइट होनी चाहिए? और अक्सर नमक को कहते हैं कि परहेज करना चाहिए, तो मैं अभी से नमक कम कर दूँ तो क्या मैं बीपी से बच सकती हूँ, हाई बीपी से? ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि नमक हमारे लिए हार्मफुल नहीं है अगर हम हेल्दी हैं तो। हमारी किडनीज 500 मिलीग्राम है, लेस देन 1 kg नमक एक्सक्रीट करती हैं, उसमें से 99% अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो हमारा 1 teaspoon होता है उसमें 5 g नमक होता है, वो कुछ भी नहीं है जितना हमारा किडनीज रोज़ रेगुलेट करती हैं। लेकिन अगर हमें किडनी की बीमारी है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, तब हमें नमक को रिस्ट्रिक्ट करना है। कितना रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमें 1 teaspoon से ज़्यादा नमक नहीं लेना है पूरे दिन में। और इससे मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, तो बेस्ट है कि ऊपर से नमक को स्प्रिंकल नहीं करना है, जितना सब्जी में डल रहा है उतना एनफ है हमारी बॉडी। कॉल्स काफी आ रहे हैं, चलते चलते एक और कॉलर हैं। हेलो, भोपाल से जुड़ रहे हैं आप। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं अपना प्रश्न करूं? जी, मैं पिछले 10-12 साल से बीपी का पेशेंट हूं, और शुरू में मैं को एक टेबलेट लेता था, परंतु अभी कुछ दिनों में प्रॉब्लम बढ़ी तो डॉक्टर ने शाम को भी टेबलेट चालू कर दी। अब मेरा का अब मैं क्या है कि चाहता हूँ कि एक ही बार टेबलेट लूँ, एक ही बार दोनों पोटेंसी की दवाई जो है वो एक मिक्स करके एक ही बार लूँ। जी। तो अभी क्योंकि बीपी नॉर्मल आ रहा है मेरा। जी। शुक्रिया। जी। मॉनिटर करता हूँ। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब,
क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं कि हमें सुबह शाम दो दवाइयाँ मल्टीपल दवाइयाँ ना लेनी पड़े, एक ही दवाई लें और काम चल जाए? नहीं देखिए, ये तो एक दवाई का ये मिथ्या है। आपके मल्टीपल कॉजेज होते हैं ब्लड अच्छा। प्रेशर के, कहीं पे कुछ हार्ट का इश्यूज होते हैं, कोई किडनी की वजह से होता है, कोई दूसरे कारण से होता है, कोई आपके कंस्टिट्यूशनल टाइप से स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं, तो उन सबको कॉजेज के रखते हुए मल्टी थेरेपी यूज होती है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली एक दवाई से काम चलेगा, कुछ हो सकता है कि आपके हार्ट की वजह से हो रहा है, कुछ हो सकता है आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो ये हम नहीं कह सकते, रिकमेंड भी नहीं है कि आपको एक गोली लेनी है। जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो देख के करते हैं कि इसको क्या क्या किस वजह से हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से दवाई लेते हैं। चलते चलते अगर मैं हाई बीपी की अवस्था में नहीं पहुंचता, मेरा हार्ट भी हेल्दी रहता है जी, कि हमें ये देखना है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के नुकसान क्या हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पहले नुकसान पड़ता है कि स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है ब्रेन में, और फिर हार्ट में हार्ट अटैक होने का, किडनी ख़राब होने का। अगर हम और ये देखा जाता है कि 24% हार्ट अटैक और 29% स्ट्रोक सिर्फ ब्लड प्रेशर कारण है, और जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए जी। और आज कार्यक्रम में आके इस पर फोकस करने के लिए और इस मशीन के माध्यम से बताने के लिए कि कैसे हम बीपी मापें, आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू डॉक्टर सुशील, थैंक यू सो मच।